नमस्कार, मैं हूं नरेश एस्ट्रोलॉजर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब का चैनल। और आज का ये वीडियो है कुंभ राशि के लिए फरवरी 2019 कैसा रहेगा उसके बारे में। तो सर्वप्रथम बात करेंगे आपकी राशि के अधिपति ग्रह शनि ग्रह के बारे में। शनि महाराज आपकी राशि से 11वें स्थान के अंदर चल रहे हैं। धनु राशि के अंदर 11वें स्थान के अंदर चलने वाले शनि आपके लिए बहुत शुभ है, आपके लाभ में वृद्धि करवाने वाले हैं। लेकिन जो शनि महाराज की जो दृष्टि होती है वो शुभ नहीं होती है, जिसके कारण आप हर कार्य में डिले महसूस करेंगे, विलंब महसूस करेंगे। और जो भी जब तक शेयर बाजार के रिगार्डिंग कार्य कर रहे हैं इनके लिए समय शुभ नहीं होगा। और ये जो शनि महाराज की दसवीं दृष्टि है वो आपके अष्टम स्थान के अंदर है, जिसके चलते हुए रिलेशन में खास करके थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है जो कोई भी जब तक मैरिड है इनको इन लॉस की ओर से। प्रेडिक्शन में बात करेंगे ग्रह मंडल के राजा ग्रह सूर्य ग्रह के बारे में। तो सूर्य ग्रह का जो भ्रमण है वो 13 फरवरी 2019 तक आपकी राशि से 12वें स्थान के अंदर है। 12वें स्थान के अंदर सूर्य ग्रह का फल शुभ नहीं होता है, आंखों का विशेष केयर करना होगा और सेविंग आपका थोड़ा कम होगा, ऐसा भी हो सकता है। खर्चे आपके बढ़ेंगे, खर्चे आपके ज़्यादा हो सकते हैं। कोर्ट कचहरी इत्यादि कोई मैटर का आता है इस समय के दरमियान, तो उसमें भी आपको लॉसिस आने की संभावना रहेगी, क्योंकि केतु भी आपके 12वें स्थान के अंदर चल रहे हैं, राहु आपके 6वें स्थान के अंदर चल रहे हैं, जो आपके लिए बहुत शुभ है, रोग एवं शत्रु पर विजय देने वाले हैं। मंगल आपके धनस्थान के अंदर चल रहे हैं, तो वाणी में अंगारे बरस सकते हैं, तो उसके ऊपर खास कंट्रोल करना होगा। और वाणी के ऊपर कंट्रोल करना है आपको, वाणी में संयम बरतना है, खास करके 5 फरवरी 2019 तक, क्योंकि जो मंगल है वो आपके धनस्थान के अंदर चल रहे हैं मीन राशि में। और ये मंगल का जो भ्रमण है वो खास करके कुंभ राशि में, जो कोई भी जातक का जन्म पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है इनके लिए थोड़ा ज़्यादा अशुभ होगा, क्योंकि जो मंगल का नक्षत्र है वो बदलते हुए मंगल रेवती नक्षत्र में चलेंगे। और रेवती नक्षत्र में मंगल का फल कैसा है ये एक पर्टिकुलरली अलग वीडियो हमारा बना हुआ ही है, उस वो आप खास देख लीजिए। कुंभ राशि में खास करके जो कोई भी जातक का जन्म पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है उनके लिए मंगल का जो ट्रांजिट है वो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहेगा। और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में जो कोई भी जातक का जन्म हुआ है ये मीन राशि में आता है, हम बात कर रहे हैं अभी कुंभ राशि के लिए। तो कुंभ राशि के लिए खासकर कुंभ राशि में पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों के लिए 5 फरवरी 2019 तक का पीरियड ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहेगा रिगार्डिंग फैमिली एंड फाइनेंशियल मैटर के बारे में। वाणी में भी आपको संयम बरतना होगा और वो खास करके कुटुंब के अंदर। 5 फरवरी को मंगल जो है वो निकल के चलेंगे 3रे स्थान के अंदर, यानी कि पराक्रम स्थान के अंदर। तो पराक्रम स्थान के अंदर साहस भुवन के अंदर मंगल का भ्रमण शुभ रहेगा। और 5 फरवरी के बाद मंगल आपके पराक्रम स्थान में जो चलेंगे ये आपको नए साहस करवाएंगे, नए साहस से आपको लाभ करवाएंगे, ब्रदर सिस्टर रिलेशन से भी आपको लाभ कराएंगे, छोटी या बड़ी यात्रा भी हो सकती है तो यहाँ पर आपको बेनिफिट करवाने वाले बनेंगे, नए साहस में आपको जॉब कर देंगे। शुक्र आपके लाभ स्थान के अंदर चल रहे हैं, जो कि आपको लव मैटर में सक्सेस देने वाले हैं। 24 फरवरी 2019 तक शुक्र आपके 11वें स्थान के अंदर हैं, जो आपको लव मैटर में सक्सेस देने वाले हैं। उसके बाद भी शुक्र का भ्रमण शुभ होगा मकर राशि में। जब 12वें स्थान के अंदर चलेंगे तो आपके खर्चे बढ़ेंगे, खर्चे हालांकि आपके लग्जरीस एक्सपेंसेस आपके हो सकते हैं, होटल मोटल रेस्टोरेंट इत्यादि के अंदर आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। प्रेडिक्शन में बात करेंगे ग्रह मंडल के राजा ग्रह सूर्य ग्रह का भ्रमण जो है वो 13 फरवरी 2019 तक आपकी राशि से 12वें स्थान के अंदर है। तो 12वें स्थान में सूर्य का फल शुभ नहीं होता है, जिसके चलते हुए आपको आंखों का विशेष केयर करना होगा, अपने ओवरऑल हेल्थ का केयर करना होगा। और 13 फरवरी 2019 से जब सूर्य चलेंगे आपकी राशि के अंदर तो ये सूर्य आपके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट करवाने वाले बनेंगे। लेकिन
13 फरवरी 2019 के बाद जो कोई भी जातक विवाहित है उनको दांपत्य जीवन में अपने पार्टनर के साथ रिलेशन में दरार ना आ जाए उसका खास केयर करना होगा। ये मंथ में बुध का भ्रमण कुछ इस प्रकार है। बुध आपकी राशि से 12वें स्थान के अंदर चल रहे हैं। 7 फरवरी 2019 तक बुध आपकी राशि से 12वें स्थान के अंदर है, तो 7 फरवरी 2019 तक आपको कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन आपका लेने का आता है तो आपको जल्दबाजी में नहीं लेना है। 7 फरवरी 2019 के बाद बुध चलेंगे आपकी राशि के अंदर, जो तरंगी योग करवाने वाले हैं, क्योंकि जब चंद्र के ऊपर से बुध का भ्रमण होता है तो माइंड की वाइब्रेंसी बढ़ जाती है और ऐसी परिस्थिति के अंदर आपको कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। और 25 फरवरी से बुध चलेंगे आपकी राशि से दूसरे स्थान के अंदर, धनु स्थान के अंदर। यहाँ पर बुध नीच राशि में बनते हैं, नीच राशि बनती है बुध की। मीन राशि जो है वो गुरु की राशि है और यहाँ पर बुध का फल शुभ नहीं होगा, तो वाणी में संयम बरतना होगा, खास करके कुटुंब के अंदर, और आंखों का विशेष केयर करना होगा। कुल मिला के क्या कहेंगे कि इस मंथ का तात्पर्य क्या है, कि इस मंथ का तात्पर्य इस प्रकार है कि 13 फरवरी 2019 तक जो राशि से 12वें स्थान के अंदर सूर्य चल रहे हैं, जो आपके लिए शुभ नहीं है, उसके बाद का समय भी थोड़ा इतना अशुभ नहीं है, लेकिन आपको अपने टेम्परनेस पर थोड़ा कंट्रोल करना होगा, अन्यथा आपके लिए समय शुभ है। कौन कौन से डेट्स आपको केयर करना है इस मंथ के अंदर, वो इस प्रकार है, 5, 6 और 7, जिसके अंदर चंद्र चलेंगे मकर राशि में, तो मकर के चंद्र राशि से 12वें स्थान के चंद्र बनते हैं। 12वें चंद्र में आपको कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लाइफ का नहीं लेना चाहिए। वंस अगेन आपको डेट केयर करना होगा 13, 14 और 15, जिसमें चंद्र चलेंगे वृषभ राशि में। चौथा चंद्र भी शुभ नहीं होता है, जिसमें अननेसेसरी टेंशन कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, और रिलेशन में खास करके माता के साथ, पिता के साथ, जॉब कर रहे हैं तो अपर लेवल के साथ, और यदि आप मैरिड हैं तो इन लॉस के साथ सभी जगह पे केयर करना होगा। जो डेट रहेगा 13, 14 और 15, और वंस अगेन आपको डेट केयर करना होगा 21, 22 और 23, जिसके अंदर चंद्र चलेंगे कन्या राशि में, तो राशि से 8वें स्थान के अंदर चलने वाले चंद्र भी शुभ नहीं है, जिसमें आपको पानी से बचना होगा। पानी से बचने का मतलब ये है कि नदी, समंदर, तालाब किनारे आप घूमने जाते हो तो पानी में अंदर ज़्यादा ना उतरे, व्हीकल ड्राइव में केयर करें, और फैमिली एवं फाइनेंशियल मैटर के अंदर ज़्यादा केयर करें। कुंभ राशि में यदि आप जानते हैं कि आपके कोई मित्र कुंभ राशि वाले हैं तो ये वीडियो आप उनको ज़रूर शेयर करो, फेसबुक, गूगल प्लस, व्हाट्सएप इत्यादि माध्यम से ये वीडियो अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे हाँ, यदि आपको वीडियो पसंद नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखे ना। चैनल सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिए। आप जहाँ भी रहो, खुश रहो, प्रसन्न रहो, ऐसी शुभकामना है और शुभ भावना है हमारी। और यदि आप अपना पर्सनल हॉरोस्कोप कंसल्टेशन करवाना चाहते हैं तो नंबर अवश्य नोट करें, इस नंबर पर व्हाट्सएप भी अवेलेबल है। नंबर इस प्रकार है 9998011838, यानी कि 9998011838। आप यदि कुछ नया प्रेडिक्शन भी जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और एक कमेंट का हम रिप्लाई अभी इस वीडियो के अंदर करते हैं कि एक कोई सब्सक्राइबर ने हमसे कंप्लेन किया था कि ये आप कन्या राशि के वीडियो क्यों जल्दी अपलोड नहीं करते हो, लेकिन हमारा ऐसा कोई भी प्रयोजन नहीं होता है, हम हर राशि का वीडियो अपलोड करते हैं, और ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप फेब्रुआरी का प्रेडिक्शन अभी से हमने डाल दिया है। आज 22 तारीख है तो 22 तारीख में आज हमने सब राशि का एडवांस में हमने प्रेडिक्शन कर दिया है फरवरी 2019 का। हमारे लिए सब राशि, जैसे माता पिता के लिए सब संतान एक समान होते हैं, ऐसे हमारे लिए भी 12 राशियां हैं, 12 राशि वाले जो भी जातक है हमारे लिए भी सब समान है। हमको ऐसा नहीं है कि कन्या राशि पसंद नहीं है और तुला राशि ज़्यादा पसंद है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे लिए सब राशि समान है, हमको सब राशि प्रिय है, हमारे लिए सब राशि समान है। तो देखते रहिए ऐसे ही प्रेडिक्शंस, नए नए प्रेडिक्शंस, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि आप अपने फ्रेंड वीडियो हमारे पसंद आते हैं तो अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फैमिली में सबको चैनल सब्सक्राइब करवाइए।
अब जहां भी रहो खुश रहो, प्रसन्न रहो, ऐसी शुभ भावना के साथ। जय गणेश।